और क्या है ऐसा जो हम आपको किस तरह का मतलब करवाना है? मैं चाह रही हूँ कि आप स्मोकी मेकअप की तरफ, क्योंकि आपने अभी चार दिनों में नई स्मोकी सिखाया, ठीक है, क्या इस कपड़ों के साथ स्मोकी मेकअप उठेगा, ब्राउन या साथ, तो वो उस कलर में हम चाह रहे हैं। और अनम तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या सिखा सकती हो, लाइक आप बताए ना आप क्या सिखाना चाह रही हैं आज? जैसे इस पे ब्रॉन्ज कलर हुआ है, तो पूरा ब्रॉन्ज मेकअप हो, थोड़ा सा ब्राउनिश ब्रॉन्ज मैट हो, नहीं मतलब शिमर ना हो, एक दोनों में से कोई एक शिमर वाला हो जाए, दोनों में से एक कोई मैट हो जाए, इस तरह मैं कर देती हूँ फिर। क्या आज मैट करना चाह रही हो? नहीं नहीं, मैट काशिक मैट कर रहा है, स्मोकी मैट हो जाएगा, हाँ, और ये थोड़ा सा शिमर के साथ हो जाएगा सॉफ्ट। ये जो ड्रेस है ना, ये बड़ा सा आप देखें बिल्कुल डल और मैट, आप मशवरा देना इसके साथ क्या कर सकती है, इसमें मतलब डल के साथ ही मतलब शिमर होगा तो मेरे हिसाब से अच्छा बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप शिमर वाला कर रही हो, लेकिन ये जो रोज कर रही हो उससे डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम मतलब ब्राउन में स्मोकी आप कह रही हैं, ठीक है जी। इसके लिए जो है मैं ब्लैक ही लगाऊंगा पहले, अच्छा ठीक है, ताकि मेरी बेस है वो डार्क में रहे। ओके ओके, अगर मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत चॉको ब्राउन चेस्टनट टाइप की टोन चाहिए इसके लिए ना, हाँ ब्लैक शेड लगाते हैं, तो आप बेस जो है वो ब्लैक कलर से ही बना रहे हैं और आई शेडो लगा रहे हैं, लाइनर शाइनर को आप ब्लेंड नहीं कर, नहीं ये हम जैसे अपना घर में कर रहे होते तो हम लाइनर लगा कर वो सही, हर किसी का देखिए अपना स्टाइल है, जिसमें कंफर्टेबल हो, तो मेरा अपना तरीका, हम ये सीख रहे हैं आपसे कि जैसे हमें करना कैसे इसको। अनम अनम का अगर देखें तो अनम ने एक ग्रीन कलर है जिससे वो बेस बना रही है, ठीक है, अनम इससे बेस बना रही ग्रीन से। अच्छा ये मजे की बात है कि ब्लैक कलर भी काशिफ जो है वो फिंगर से ही अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मली बड़ा ब्लैक में डर लगा होता है ना कि आपका हाथ इधर उधर ना फैल जाए, आंख के नीचे ना लग जाए, नाक पे ना लग जाए, ब्लैक में ये बहुत मसले होते हैं और स्मोकी मेकअप इन सब चीजों में ऐसा होता है। तो आज का मेकअप जो आप सीख रहे हैं वो मैट स्मोकी मेकअप करके दिखा रहे हैं काशिफ, और अनम थोड़ा शिमर मेकअप जो रोजाना सिखाई थी उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, इन्होंने बेस ग्रीन से दी है ब्राउन। रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजो पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है, पाए दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए, कहना था कहना पाए दिल में भी रहना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए, रहने तो सब मजबूरियां काहे को है ये दूरियां, अब हीर खिलाए राजे को अपने हाथों से दुरिया, मिल गई।
क्या कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमां सामने आए। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमां सामने आए। रहने तो सब मजबूरियां, काहे को है ये दूरियां, अब हीर खिलाए रांझे को अपने हाथों से दूरियां। अब आप देख रहे हैं, हम खामोशी से आपको सारा मेकअप दिखाते रहे हैं, अनम भी कर रही हैं, काशिप भी कर रहे हैं। काशिप ऑल ब्राउन पे जा रहे हैं, ब्राउन के जो 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 शेड्स थे वो इन्होंने जिस तरह लगाए, सबसे पहले ब्लैक शेड की बेस दी है, उसके बाद एक एक हल्का डायरेक्टली अगर हम ब्राउन लगाते हैं ना तो वो एकदम से लाइटर आ जाता, नहीं आता स्क्रीन स्किन में मर्ज हो जाता। और फिर ब्लैक लगाया लेकिन ब्लैक अब नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। उसके ऊपर ब्राउन का एक और शेड दिया जो थोड़ा सा जिसमें शिमर था, फिर उसके बाद एक मैट शेड ब्राउन का देकर वो ये वाला इम्पैक्ट आ रहा है। फिंगर से इन्होंने आंख के बीच में एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग की है, और ब्रश से ये आंखों के दोनों कॉर्नर्स में ब्लेंडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल मैट जो है ब्लैक शेड था वो लगाया था, उसके बाद जो मैंने शेड लगाया था वो ब्राउन में ही था, उसमें स्लाइटली सा शिमर था उसमें, लेकिन उसके बाद जो दोबारा ये अगेन जो मैंने शेड लगाया है ब्राउन, ये बिल्कुल मैट है। अब आप देखें मैं इस तरह से इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैट टोन पे ही है, हल्का से आप देखें टेंच है जरा सा शिमर का। अच्छा वहाँ अनम भी मैं जरा अनम की तरफ जाती हूँ थोड़ा, और मैं देखना चाहती हूँ कि अनम क्या कर रही है। अनम भी जो है वो जो शेड लगाए, अनम जरा लास्ट शेड दिखा दो जो तुमने लगाया प्लीज। लास्ट अभी डस्ट, हाँ डस्ट पहले मैंने गोल्डन लगाई है, उसके ऊपर मैं सिल्वर लगाऊंगी ताकि दोनों मिक्स जो है वो मल्टी सा इफेक्ट आए। अच्छा अनम ने सबसे पहले ग्रीन शेड से बेस बनाई है, लेकिन ग्रीन जो टोन मैंने रखा उसको पूरा मैंने डल कर दिया। हाँ फिर उसके बाद क्योंकि मैंने ऊपर ब्राउन दिया है, हाँ ऊपर के बाद मैंने इनर एंड आउटर दोनों कॉर्नर्स पे जो है मैंने शेड ब्लेंडिंग की है, हल्का सा ब्लैक भी है एंड्स पे, और मैंने अपना जो सेंट्रल है ना शेड उसको एनहांस किया, सिर्फ सेंट्रल। अक्सर ऐसा होता है ना पूरी लिड सेम शेड की होती है, लेकिन ये डिफरेंट करने के लिए मैंने इनर एंड आउटर दोनों शेड जो है वो ब्लेंड किए हैं, सिर्फ सेंटर फोकस किया है। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आप चार दिनों जो आप देख रहे थे मेकअप आप वो सीख चुके हैं, ये थोड़ा सा दोनों ने आज अलग मेकअप करके दिखाया है, क्योंकि काशिफ पे हर तरह का मेकअप होता है जिस तरह आप चूज करेंगे। एक दफा फिजा का काशिफ ने बहुत ज्यादा काजल लगा के याद है कितना वो वाला मेकअप किया था। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप एज अ ब्राइड किस तरह का कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जो है नो मेकअप लुक चाहिए होता है, लेस मेकअप चाहिए होता है उसके लेकिन भी फिर आप, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ लोगों को तस्वीरों की हद तक नो मेकअप चाहिए था, जब करवाते हैं वो उनको भी सारी चीजें चाहिए होती है। तस्वीरों के बाद जब वो खुद देख रहे होते हैं उनको लग रहा होता है, फिर दूसरी ब्राइड को देख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है। मूव हो सकती हूँ मैं जरा? हाँ अच्छा, तो इसलिए आज दो आपने डिफरेंट मेकअप सीखे हैं, दम ही लगाना उस पे ना इसलिए। अच्छा एक और बड़ा अच्छी टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर तो ये जो डार्क ब्राउन मेकअप किया है लड़की, अगर जिसका डस्की चेहरा है, थोड़ी सांवली है, गंदुमी है, तो ये डार्क ब्राउन तो बहुत, लेकिन अगर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर लड़की बहुत फेयर है, इसका कॉम्प्लेक्शन नीलम मुनि टाइप या करीना कपूर या इस तरह बहुत फेयर है, तो उसके लिए हमेशा एप्लीकेशन बहुत मतलब ब्राउन के थोड़े लाइटर शेड से होगी। काशिफ भी शायद इस बात को सेकंड करेंगे कि बहुत गोरी लड़की पे अगर इतना डार्क ब्राउन होगा तो वो फिर वो कुछ अजीब सा लगता है। इसी तरह की मैंने देखा है कि काफी ब्रांड्स हैं उन्होंने मेकअप उस हिसाब से निकाले, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ना, कि जो कॉम्प्लेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए आई शेडोज के पैलेट तैयार किए हैं।
और हमारी उसमें तो बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है. क्या चीज़? कि हम अगर ब्राइड है हाँ. तो मेकअप तो कोई सा भी चला जाता क्योंकि है क्योंकि आप इवन टोन कर देते हैं ना स्किन की सारी. बाकी नॉर्मली जिस तरह से आप कह रही हैं ब्रॉन्ज का वो सारी चीजें उस कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से वो कलर जब आप पार्टी में जा रहे हैं या अपने हिसाब से. हाँ अच्छा. और ये मेकअप ऐसा है सब पर ही उठ जाता है ना, सारी बच्चियों पे उठ जाता है. अच्छा काशिफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो दुल्हन आपके पास आई है उसकी आंख थोड़ी सी छोटी है तो आप क्या कौन सा वाला मेकअप प्रेफर करेंगे? और वो कहेगी काशिफ आपके ऊपर है, आपने जो करना है वो करें, तो आप कौन सा वाला मेकअप प्रेफर करें? हमारी कोशिश ये होती है निदा कि अगर वेडिंग की ब्राइड है तो गोल्ड पे ही रहते हैं हम. गोल्ड ब्राउन छोटी है मैं वही बता रहा हूँ उसमें ना, तो उसमें शिमर मेकअप और आउटर कॉर्नर करके उसकी आईज को इनहेंस करके हाँ. और मैट शेड्स वाला मेकअप ना ऐसी आंखों पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. अच्छा. और बहुत स्मोकी आईज भी नहीं अच्छी लगती है. अच्छा. की आईज पर क्योंकि वो फिर और छोटी छोटी लगती है. अच्छा. और अगर आपके पास रेड कलर होता है ना हाँ. तो उसके बाद जो है अगर हम ब्लैक भी कर लेते हैं तो मजीद वो आंखें छोटी ही लग रही होती है. अच्छा. अगर बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाली दुल्हन आपके पास आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत बड़ी बड़ी आंख वाली आ जाती है तो उस पर तो सब कुछ चल जाता है. उस पर मतलब आपको ज्यादा खुशी होती है, मजा आता है मेकअप करने में? मेकअप में सबको आता है लेकिन ये कि कुछ आंखें जो है बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं तो हाँ. वो बुरा भी लगना शुरू हो जाता है. आई गैप अगर ज्यादा है कोई हमने ऐसे कलर्स लगा दिए तो वो खूबसूरत लगेंगी. छोटी आंखें भी आपको पता है कुछ आंखें छोटी होती है लेकिन बड़ी अट्रैक्टिव होती है, खूबसूरत होती है वो ना. तो बड़ी आंखें हैं लेकिन ये कि हमने अगर उसको शेड्स अगर बहुत लाउड कलर ऐसे लगा दिए जो फिर वो चीप लग रहे हैं तो इसका बड़ा खास ख्याल रखना होता है. छोटी आंखों में ये होता है कि हर चीज के लिए आपको जाहिर सी बात है गैप कम है तो आपके कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं. बड़ी आंखों पे जब हम लगाते हैं तो बहुत ज्यादा लाउड भी लगना शुरू हो जाता है. अच्छा. अब आंखों के नीचे आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? काजल लगा देता हूँ. काजल? अरे वाह, आज काजल लगेगा भाई. और अनम तुम क्या सोच रही हो आंखों के नीचे? काजल भी लग सकता है, व्हाइट पेंसिल, कभी प्लेन भी छोड़ सकते हैं. आज काजल दो ना, आज काजल दे दो ताकि क्योंकि हम हर रोज व्हाइट पेंसिल दे रहे थे, आज एक अलग लुक होगी ताकि आपको वैरायटी मिल जाएगी सीखने में. मजे की आपकी शेड्स की बात है कि नीचे गिरे नहीं ना वो. ब्राइड वेडिंग वलीमे में होती है तो हम एक दिन काजल कर देते हैं और एक दिन हम व्हाइट पेंसिल कर देते हैं. यही लोगों को दिखाना चाह रही थी कि आप अपनी सारी जितनी भी फेस्टिवल्स हैं, मायो मेहंदी, एंगेजमेंट, शादी वलीमा, तो वो एक ही जगह से आप सेटिस्फेक्शन अगर है तो वहाँ से आप मुख्तलिफ मेकअप्स भी करवा सकते हैं. इससे बेहतर है कि कहीं और जाएं और रिस्क को. ये क्या है? ब्लू कलर लगा रहा हूँ, ब्लैक काजल नहीं लगा रहा. अच्छा. अच्छा, ये मेरा अपना ही है कलर. अब आप देखें इसकी आईज जो है ना, देखें पर्पल कलर है ये. अच्छा, इस ये ब्लू कलर लगाने से आंखों में क्या थोड़ी सी ग्लैमरस चेंज लुक आता है? आप देखें इसकी आईज, देखें आप. हाँ. ओके. अच्छा. आउटर कॉर्नर पे भी हल्का सा रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाज़ों पली है मीठी, गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है. ये स्मोकी पे भी बहुत अच्छा लगता है, कभी वो ब्लैक किया हुआ है इसे. और ये ब्राउन स्मोकी है ना लेकिन ब्लैक में भी खूबसूरत लगता है. ठीक है. आपको पर्पल टोन. अच्छा, पर्पल टोन, लाइट पर्पल, लाइट मॉक कलर. हाँ. क्योंकि बिल्कुल टोटल चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर बिल्कुल ब्राउन में और जब आईज खोल रही है अभी देख. तो आपने दो वो दिए हैं, एक वेरिएशन और एक लाइट पर्पल. आप ब्राउन भी कर सकते हो लेकिन ये अगर थोड़ा सा उसको मजीद ड्रामेटिक करना है, ग्लैमरस करना है हाँ. तो ये चीज कर सकते हैं.
तरफ चलेंगे. अनम ने क्या किया है, अनम को दिखाइए. अनम थोड़ा सा नीचे करो, सर बहुत ऊंचा किया हुआ है उन्होंने. हाँ ये थोड़ा सा लैशेज लग चुकी हैं, कलर. वो डस्ट लगा के नदर, मैंने उसके ऊपर 3D पाउडर लगाया है. लेकिन देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत मतलब कर रहे होते हैं लैपिंग, तो ब्रेक हो जाते हैं शेड्स. तो देखिए अभी इसमें कोई भी शेड ऐसा नहीं है जो मतलब ब्रेक हो रहा हो. मतलब साथ सारा मर्ज. बिल्कुल. हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. तो हमने काशिफ से सीखना है विंग लाइनर लगाना, खुद का विंग लाइनर कैसे लगे, एक आंख बंद करेंगे तो दूसरी आंख पे कैसे लगाएंगे, ब्लो ड्राई अपने खुद का फ्रंट ब्लो ड्राई कैसे करेंगे. ये टेक्निक्स अभी खुद काशिफ हमें सिखाएंगे, ताकि वो दुल्हन जो इनसे तैयार हुई है और वो घर जाए तो वो अपनी खुद की तैयारी थोड़े से पार्टी मेकअप की खुद भी कर सके. गुड मॉर्निंग.